हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाया हूँ एक लेजर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। फ्रेंड्स, ये पर आप देख सकते हैं इसका बीच में एक घर है फ्रेंड्स, और इसका चारों तरफ जो है लेजर से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इस घर के अंदर जाने का कोशिश करेगा तो ये बजर बजना चालू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझो कि ये कोई जा रहा है, ये मैं उंगली को ले जा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बजर बज रहा है। अगर मैं इसको मतलब दूर हटा देता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिर से जा रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बजर बज रहा है। इस तरफ भी फ्रेंड्स सेम है, देखिए जब भी मैं जाऊँगा तो ये बजर बजने चालू हो जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर खुली आंखों पर भी नहीं दिखा दे रहा है कि इस लेजर का जो रे है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ आप नहीं देख सकते फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी तरफ नहीं दिखा दे रहा कि यहाँ पर लेजर का रे है। लेकिन फ्रेंड्स आप अगर कोई जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पर बजर बजना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको आपका साइंस प्रोजेक्ट, साइंस एग्जीबिशन और साइंस फेयर जो स्कूल का प्रोजेक्ट होता है, आप कहीं पर भी इसको दिखा सकते हैं और फ्रेंड्स आप फर्स्ट प्राइज विन कर सकते हैं बहुत इजीली। और फिर सबसे अच्छी बात है, ये फ्रेंड्स बहुत ही कम पैसे के अंदर बन के तैयार हो जाता है और फ्रेंड्स इसका बनाने भी बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का बेस के लिए मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस ले लिया हूँ बड़ा वाला। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा एक कार्डबोर्ड लेके इसको ऐसे करके मैं कट कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको मैं ऐसे करके कट कर लिया हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसका जो मतलब हमारा घर का जो साइड होगा इसको मैं ऐसे नाइफ की मदद से अच्छे से हल्का हल्का करके कट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, पूरा कट नहीं कर रहा, ठीक है, आधा आधा कट कर रहा हूँ मैं ताकि मुझे मोड़ने में आसानी हो। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हो गया हमारा, मैंने यहाँ पर कर लिया पूरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना आसानी से यह मुड़ जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आपका जैसे यह घर बन गया देख सकते हैं आप, आपके मर्जी से बना सकते हो, आप कैसा भी घर बना सकते हो, ठीक है, वो चलेगा। आपका मतलब जैसा भी हो, ठीक है, आप अच्छे से बनाने का कोशिश करना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका देता हूँ। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका मर्जी से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका मैं नीचे भी ऐसे करके ग्लू लगा देता हूँ और इसको मैं अभी यहाँ पर चिपका दूंगा, जो हमारा कार्डबोर्ड है मतलब जो हमारा इसका बेस है ना, बेस के ऊपर मैं चिपका दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ग्लू लगा दिया इसके ऊपर और फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, हमारा जो मतलब इसका बेस था बेस के ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो, फेविकॉल बहुत ही अच्छा होता है लेकिन वो सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक मतलब ऐसे कार्डबोर्ड लेके और कार्डबोर्ड के ऊपर से फ्रेंड्स एक तरफ से मैं यहाँ पर जो कागज़ होता है मैं वो हटा ले रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हटाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ मतलब जो छत का जैसा मतलब बनाने के लिए आसानी होगी हमारा, ये देखने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसका मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके कट कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा नहीं कट कर रहा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से चिपका दूंगा, पहले मैं इसको अभी रख देता हूँ और यहाँ पर मैं ग्लू लगा देता हूँ घर पर। तो मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं उस साइड लगा दिया, अभी इस साइड को भी मैं लगा देता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर इसको चिपका देता हूँ, हमारा जो घर है वो एकदम रेडी हो ही चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये मिरर मेरे को पुराना जो अलमारी हमारे यहाँ पर कारखाना है तो वहाँ पर से मेरे को मिल गया ही है। तो आपके घर पे पुराना अगर आईना होगा तो आप उसको तोड़ के ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर इसका बेस बनाने के लिए एक छोटा कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर मैं इसको अच्छे से चिपका दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पर तोड़ा हुआ मतलब कैसे भी मिरर यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा मतलब स्क्वायर वाला मिरर नहीं है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और एक यहाँ पर कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया हूँ और इसके ऊपर मैं भी ग्लू लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ग्लू लगा रहा हूँ इसका। फ्रेंड्स मैं दो साइड पे ग्लू लगाऊंगा और देखिए इसको मैं कहाँ पर लगाता हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, आप अगर बनाते हो तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा, देख लेना। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पर पीछे लगाता हूँ इसका, तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा मतलब इसको मिल जाएगा वो क्या बोलते हैं यार, तो ये हैवी हो जाएगा थोड़ा अच्छा, ठीक है, और ये खुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीन पीस बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं तीन पीस बना लिया हूँ,
इसको मैंने थोड़ी देर के टाइम लगा मेरे को बनाने के लिए, तो मैंने इसलिए दिखाया नहीं तीन बना के, मैं एक को बना के दिखाया और तीन यहाँ पर मैं बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दो बना लिया तीन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सर्किट को बनाने के लिए एक BC547 ट्रांजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा एक या दो रुपये का। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक LDR सेंसर का ज़रूरत पड़ेगा, ये भी आपको 10-15 रुपये का 20 रुपये का मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक 10K का रजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा, ये आपको 1 रुपये का मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक बाजार का ज़रूरत पड़ेगा। फ्रेंड्स आपके पास अगर बाजार नहीं है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मेरा बाजार बनाने का वीडियो देख के आप स्पीकर से बाजार बना सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए सभी कंपोनेंट को सोल्डर कर लेते हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर की सभी पिन पे थोड़ा थोड़ा करके सोल्डर वायर लगा देता हूँ ताकि मुझे सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं LDR ले लिया हूँ जो कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, और फ्रेंड्स इसका दोनों पिन को मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की सेकेंड और थर्ड नंबर पिन के साथ सोल्डर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप घबराओ मत, मैं सर्किट डायग्राम वीडियो के अंदर दूंगा, लेकिन कहाँ पर दूंगा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको देख के बहुत आसानी से बना सकते हो। उसके बाद फिर से पर मैं 10K का एक रजिस्टर ले लिया हूँ और इसको मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर मैं एक बाजार ले लिया हूँ और इस बाजार का फ्रेंड्स जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ, मतलब इसका जो कलेक्टर होता है कलेक्टर के साथ मैं बाजार का नेगेटिव को सोल्डर कर रहा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाजार का पॉजिटिव है, बाजार का पॉजिटिव को मैं यहाँ पर इस रजिस्टर के दूसरे साइड पर सोल्डर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोल्डर हो चुका है, हमारा बाजार का जो कनेक्शन है ये हो गया है, ये हमारा आउटपुट होगा। फ्रेंड्स आप आउटपुट पर रिले भी लगा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर ले लिया हूँ और इसको मैंने यहाँ पर बाजार की पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव हो गया। और फ्रेंड्स ये हमारा जो ट्रांजिस्टर का थर्ड नंबर पिन है ना, ये फ्रेंड्स हमारा बैटरी का नेगेटिव का हो गया, ठीक है एक वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का वायर तो हम निकल लिए, लेकिन बैटरी के साथ मैं अभी सोल्डर नहीं किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 3.7 वोल्ट का बैटरी यूज़ करूँगा इसको, मतलब पावर देने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक पुश स्विच भी लगा लेता हूँ ताकि ये ऑन ऑफ कर सकते हैं हम, क्योंकि नहीं अगर स्विच नहीं लगाएंगे तो ये पूरा टाइम जलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको सर्किट के एक साइड को मतलब सोल्डर कर रहा हूँ, सर्किट के पॉजिटिव को एक साइड को मैंने सोल्डर कर दिया यहाँ पर स्विच के साथ, और हमारा जो बैटरी से आएगा उस वायर को मैं यहाँ पर सोल्डर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हूँ मैं वायर का और इसको मैं पहले सोल्डर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स स्विच के साथ मैं सोल्डर कर दे रहा हूँ। हो जा भाई जल्दी से हो जा यार, दिखाना है भाइयों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी का जो मतलब नेगेटिव साइड था हमारा सर्किट का, उसको मैं बैटरी की नेगेटिव से साथ सोल्डर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसको सोल्डर कर दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा स्विच से था ना, एक स्विच से वायर था जो सर्किट से मतलब होकर आ रहा है, तो वो हमारा बैटरी का पॉजिटिव था, उसको मैं यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव पे सोल्डर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपके पास 5 वोल्ट का अगर बैटरी है तो आप 5 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स 5 वोल्ट के अंदर आपका कोई भी बैटरी चल जाएगा, 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक, ठीक है। मैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप इसका रिचार्जेबल मॉड्यूल लगा के रिचार्ज भी कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक 5 वोल्ट का लेजर ले लिया हूँ, ये लेजर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी से। और फिर लेजर का जो पॉजिटिव है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और फिर इसका जो नेगेटिव है नेगेटिव को मैं बैटरी के नेगेटिव के साथ सोल्डर कर रहा हूँ, बैटरी के नेगेटिव के साथ मैंने इसको भी सोल्डर कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारा इसका भी कनेक्शन हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड का जो मतलब हमारा होम था, होम के ऊपर मैं यहाँ पर सर्किट को लगाने के लिए एक थर्मोकॉल लगा लिया हूँ, और थर्मोकॉल कर फ्रेंड्स ऐसे मैं इसको लगा लिया हूँ, एक तरफ हमारा रजिस्टर है LDR रजिस्टर, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो है, और फ्रेंड्स एक तरफ हमें लगाना पड़ेगा इस लेजर लाइट को। तो फ्रेंड्स इसको लगाने में बहुत टाइम लगता है तो मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप उसका साइड पर आपको आईने को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं पर सर्किट डायग्राम दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मेरे को उतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम मेरे को इस लेजर को सेट करने में टाइम लगा। फ्रेंड्स इस लेजर को सेट करने में इतना टाइम लगा आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सेट हो जाता है ना एक बार, तो आप इसको अच्छे से पकड़ के उसके ऊपर पूरा ग्लू से मतलब चिपका देना इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि ये हिले ना। नहीं तो फ्रेंड्स अगर आप स्कूल वगैरह कहीं पर भी इसको अगर ले जा रहे हो तो तब रास्ते में जाते जाते क्या होगा, ये थोड़ा हिल जाएगा और वहाँ पर जाके मतलब
आप बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे और ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसको घर पे ही अच्छे से लगा के ले जाना। और फ्रेंड्स मैं आपको ये मतलब मेरा तरफ से बता दिया, आप आपके जैसा कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो घर है आप इसको अच्छे से कलर कर देना तो ये देखने में अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, मैं अभी एक बार आपको और एक बार टेस्ट करके इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर चोर जा रहा है इस तरफ घर के अंदर घुसने के लिए, यहाँ पर ये घुस रहा है। अरे बच गया, फिर से बच गया। इस तरफ से एक बार घुसने का कोशिश करते हैं। चोर जा रहा है, चोर जा रहा है। अरे यार इस तरफ भी बच गया, इस तरफ से एक बार देखते हैं। अरे भाई किसी तरफ से हम घुस नहीं पा रहे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और फ्रेंड्स अगर ये मतलब इसको बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं ऑल टाइम इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपको हेल्प भी करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो यार, एक ही लाइक का बात है। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करो या ना करो एक लाइक कर दो, हमें आपका एक लाइक। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है, सच में अच्छा लगा है, तो एक कमेंट भी कर देना। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।